अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। आज हम फ्लैशिंग करेंगे चूज़ों की। 2000 जो है ना बर्ड्स है हमारे पास गोल्डन मिश्री। आज सुबह हमने इनको फ्लैशिंग जो की थी ना वो उसके बारे में प्रॉपर आपको बताएंगे। इनमें जब से चूज़ा है ना जर्दी हाल नहीं हो रही थी, जर्दी वाला मुसलसल सिलसिला चल रहा था। गर्मी है, हीट है, बहुत ज़्यादा इनके स्ट्रेस वाला माहौल है। ठीक है जी, आज 28 जून है जी, जून का महीना है। छत के ऊपर हमारा ये फार्म है, आप देख सकते हैं छत है, सामने आपको दिखा रहा हूँ, नीचे ज़मीन आपको नज़र आएगी। ये गोल्डन मिश्री बर्ड है हमारे पास, 2000 की तादाद है। फ्लैशिंग हम ना इसके आस्ता आस्ता से करते आ रहे हैं। आज की जो फ्लैशिंग है ना सबसे अलग थलग होने वाली है। अच्छा, जब से चूज़ा आया था ना इनमें अमवात जारी है, पहले दिन से 6, 7 बर्ड्स, 8 बर्ड्स, 10 बर्ड्स रोज़ के ना मोर्टैलिटी हो रही है। बड़ा कुछ कर लिया मगर ना फ़र्क नहीं पड़ा है। बताने का मकसद ये था कि अब जो है ना हमने इनको फीड के अंदर चीनी 2 किलो लेके ना 2-2.5 किलो 24 घंटे हमने फीड के अंदर देते रह गए। ठीक है ना, ये हमारा कमरा है, कमरे के अंदर मैं आ गया हूँ, आपको कमरे के अंदर चूज़ा दिखा रहा हूँ, कमरे के अंदर माहौल भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पैड लगा हुआ पानी वाला। हमने फुल इंतज़ाम अपनी तरफ से कर रखा है जी। ये पीछे पैड चल रहा है, 3 पंप लगे हुए हैं पानी वाले डीसी और 2 पंखे चल रहे हैं। अच्छा, बात हो रही थी सर जी फ्लैशिंग की, तो हमने फ्लैशिंग यानी कि भी इसकी चीनी के साथ मिक्स करके भी की है। वैसे भी 2 किलो चीनी मिक्स करके जो है ना पानी के अंदर भी इनको दी है। फ्लैशिंग हम इस तरह करें कि 2 घंटे के अंदर अंदर पानी पी लेंगे, इतना ही देते हैं। आज फिर हमने चीनी के साथ फ्लैशिंग की है, 2 किलो चीनी ली थी, तकरीबन 3 घंटे के लिए हमने पानी रखा था, 3 घंटे में वो पानी पी गए थे। ठीक है ना, 8 बर्ड जो है ना काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। बहुत ही गर्म मौसम है, हीट है फुल। ये जहाँ पे अब मैं खड़ा हूँ ये कमरा है, ऊपर छत इसकी पक्की है। ठीक है ना, देख सकते हैं वीडियो के अंदर, मगर ये जो सिस्टम हमने बनाया हुआ ना ये कमरे को ठंडा रखता है, कमरा जो है ना फुल फ्लैट ठंडा होता है। चूज़े अपनी मर्ज़ी से देखें कमरे से आज जा भी रहे हैं बाहर, जिसका दिल करता है वो घूम के वापस आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जहाँ दिल करता है ठंडी जगह पर रहता है। फ्लैशिंग हमने कर दी आज, फ्लैशिंग के जो बाद है ना हमने आज शाम को इनको वैक्सीन करनी है NDID की। ठीक है ना जी, NDID की वैक्सीन भी करेंगे आज। ये देखें जी पैड चल रहा है, सारा पानी पीछे फुल फ्लैट चल रहा है, तो हमने बर्ड को जितनी सहूलत दे सकते हैं दे रहे हैं। गोल्डन मिशी बर्ड है 2000 हमारे पास। अच्छा, फ्लैशिंग के बाद जो हमने पानी रखा था ना वो भी प्रॉपर तरीका आपको बता रहे हैं। फ्लैशिंग के बाद हमने इनको मल्टीविटामिन दिया था सेलनेक्स। ठीक है ना, 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। इसके बाद जो है ना हैपामल 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से दिया था, साथ में पैनाडाल भी मिक्स किया था। उसके बाद जो है ना तकरीबन 150 ग्राम जो है ना ग्लूकोज जो है ना वो भी दिया था। ग्लूकोज इनको ठंडक पहुंचाता है, इनके भी जो हजम वगैरह करना होता है ना वो चीज़ें भी यानी कि सारी की सारी यानी कि भी साथ से आमा रखता है। तो बताने का मकसद ये है कि आज हम शाम को इनको वैक्सीन भी करेंगे NDID की। आज फ्लैशिंग होगी है पहले टाइम। ठीक है ना, अब फ्लैशिंग के बाद जो है ना हमें जो अमल दूसरा करते हैं उसमें भी चूज़े को ताकत दी जाती है। मल्टीविटामिन देने का मकसद ये है कि चूज़ा ताकत पकड़ जाए, जान में आ जाए, बीमार ना हो, स्ट्रेस में ना हो। ठीक है ना, हर हालत में वैक्सीन की मार उठा सकता है चूज़ा। अभी तो देखें ये हमारा फार्म है, यहाँ पर फुल धूप आ रही है, आधे फार्म के अंदर धूप है, आधे फार्म के अंदर जो है ना देखें आप वीडियो के अंदर भी छाँव है, छाँव की तरफ चूज़े हैं, धूप की तरफ जाते हैं, हवा की तरफ मगर घूम के वापस आ जाते हैं। अच्छा, पहले वीडियोज़ के अंदर आपको देखें धंधे जो है ना कम मकदार में लगे हुए थे, अब गर्मी ज़्यादा हो गई है तो हमने उसका तोड़ करने के लिए अपनी तरफ से जो इंसान से के बस में होता है ना वो हल निकालने की कोशिश करता है। हमने ना ये लकड़ियों का 1-2 टह लगा दिए हैं, अगली तरफ देखें वहाँ पे हवा का प्रेशर जो है ना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमने 3 लगाए हुए हैं स्टेप, 1-2-3 वो रस्सी बांधी हुई ना, देख लें आप गौर से। इसी तरह यानी कि भी अब हवा का हम ना मुनासिब सा बंदोबस्त कर रहे हैं, जिस तरह भी हो सके चूज़े को गर्मी हीट से बचाएं।
ताकि हमारा जो फ्लाग है ना वो बेहतर रहे, हमें यानी कि भी जिस मकसद के लिए चूज़ा पा रहे हैं उसमें हमें फ़ायदा हो, नुकसान ना उठाना पड़े। ठीक है दोस्तों, दुआ में हमें याद रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।